नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रामरूप शर्मा आज आपको मैथ का पेपर के लिए आया हूँ। 4 मार्क के क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी लगभग तैयारी हो चुकी होगी। मैं थोड़ी सी और आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा कि 4 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन आपके जो है वो 30 है और उनमें से 4 मार्क के जो क्वेश्चन है वो 8 है। उन 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस, आइदर दिस और दिस। तो ध्यान से आप उन कोई भी एक क्वेश्चन को चूज करेंगे। मैं उसकी कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट वो या उस टाइप के आने चाहिए, तो वो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो ये भी आप देख के जरूर कर लें। इसके साथ साथ मैं आज ठीक 10:30 बजे 10:30 पर आपको लाइव आऊंगा। आपकी जो जो डाउट हो, जिस तरीके की प्रॉब्लम हो, वो आप अपनी तैयार करके रखना। मैं 10:30 पर आपके सामने लाइव होऊंगा। अभी मैं इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले फिर मैं आपको वही बात कहता हूँ कि शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जरूर लाइक करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, 8 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपका चैप्टर फोर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन जो आप कहते होंगे। तो उसमें एक ट्रेन है, उसकी उसे जाना है 360 किलोमीटर और वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जाती है 360 किलोमीटर तो कुछ टाइम लेती है। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है 5 किलोमीटर पर आवर तो उसका जो टाइम है वो 1 आवर कम हो जाता है। तो आपको उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, आपको फिर दोबारा मैं याद दिला दूं, स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेंगे, मान लो एक्स आपने यूनिफॉर्म, मैं रफली बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है आपका, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। यूनिफॉर्म स्पीड आपकी एक्स है। इससे पहले मैं एक बात फिर बता दूं, देखिए ध्यान रखना, अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स थोड़े, आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा गड़बड़ है, तो सबसे जरूरी है कि 4 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि 4 मार्क के क्वेश्चन में से 1 या 1.5 या 2 मार्क्स निकालना बहुत आसान होता है, आपको आगे का प्रोसीजर हो या ना हो। 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में से 0.5 या 1 मार्क निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस ट्रिक का जरूर ध्यान रखना, अटेम्प्ट 100% 30 क्वेश्चन करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ना भी आता हो तो अभी 2 मार्क्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, या 70+ लाना चाहते हैं तो ये सब चीजें जरूरी है। ये यूनिफॉर्म स्पीड को आप एक्स मान लीजिए, डिस्टेंस कितना जाना है 360 किलोमीटर, तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलें तो टाइम कितना लगेगा 360/x। अगर हम इसी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलें तो टाइम कितना लगेगा 360/x+5, और अगर इन दोनों टाइम का डिफरेंस जो है 1 आवर है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप यहां से आगे भी नहीं कर पाते तो भी आपके 2 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ठीक से लिख लें, ठीक से समझ लें, और 4 में से 4 भी ला लें तो भी ये सब चीजें कंपलसरी हैं। तो ये क्वेश्चन है। इसी के साथ मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा है। जो क्वेश्चन है हमारा 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो 1.5 मार्क्स लाने का क्या तरीका होता है, shortest side भी x, its diagonal will be x plus 60 and then longer side is x plus 30। अगर यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में बन जाएगा और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी, तो लेंथ भी निकाल सकते हैं और डायगोनल भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ अब ये क्वेश्चन चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं चैप्टर 5 पर, जहां से भी 4 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि यहाँ पर हमें SN दिया हुआ है, बुक का ही क्वेश्चन है, 4n-n2। वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स पर। हमें थर्ड टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है और
जनरल टर्म निकालना है। तो इसका प्रोसीजर आप समझ लीजिए, आप पहले एस वन निकालिए, जहां जहां पर एन है वहां पर एन प्लेस कर दो, वन प्लेस कर दो। तो वन सपोज करिए ये हो जाएगा 4 × 1 − 1² मीन्स 3। इसी तरीके से फिर क्या निकालिए, एस टू, और एस टू में से एस वन माइनस करेंगे तो वो हमारा ए टू आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर एस एन दिया हुआ है तो एस टू माइनस एस वन इज ए टू, अगर ए टू और ए वन आ जाता है क्योंकि एस वन और ए वन एक ही बात होती है, तो फिर आप डी निकाल सकते हैं, और अगर डी निकल जाएगा तो आप टेंथ टर्म भी निकाल सकते हैं और जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं या कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एपी में ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन लिया है कि एक एपी का एट्थ टर्म 3 times है थर्ड टर्म के, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें, 1 mark लेने के लिए या 4 में से 4 mark लेने के लिए क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होनी है वो बहुत जरूरी है। तो आप जब भी एपी का क्वेश्चन स्टार्ट करें तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है एट्थ टर्म मीन्स ए एट इज इक्वल टू 3 times ऑफ थर्ड टर्म मीन्स ए थ्री। एक इक्वेशन आपकी यहां से बन जाएगी, ए प्लस 7d इक्वल टू 3 × a + 2d, और सेकेंड इक्वेशन आपकी दी हुई है 6 times 22 मीन्स ए 6 जो है वो क्या हुआ है 22। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको a और d मिल जाएगा, और अगर a और d मिल जाएगा तो हमें ap निकालने में आसानी होगी। ap होती है a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d ... फिर आप an निकाल दें। तो इस तरीके से ap में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट जो 4 mark का क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल से। तो चैप्टर 6 ट्राइंगल में मैं ज्यादातर जो इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो थ्योरम के लिए दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि या तो बीपीटी थ्योरम आएगी या तो पाइथागोरस थ्योरम आएगी। अगर आपकी थ्योरम इस तरीके से लिखी हुई हो तो ध्यान रखना है स्टेटमेंट भी लिखना है, इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 mark का हो गया और उसका जो प्रूफ है वो 3 marks का हो गया। इसी तरीके से अगर वो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करो, अगर थ्योरम पूरी लिखी हुई है तो स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही थ्योरम मेरी वीडियोस में पड़ी हुई है, देखिए मैंने करीब 50-60 वीडियोस बनाई हुई है, बहुत बड़ी भी है छोटी भी है, तो उन सब वीडियोस को आप देख के आपकी हेल्प हो सकती है। तो इस थ्योरम का अब उसके बाद में है 4 mark का क्वेश्चन 8.4 से। पहली बात तो मैंने 8.4 से मतलब 8.4 जैसा 8.4 जैसे का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां से मैंने ये 2 questions लिए। ये एग्जांपल है आपकी बुक का साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस 1 / साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसको हमें प्रूव करना है sec थीटा 1 / sec थीटा प्लस माइनस 10 θ। तो इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लॉजिक है वो ये है कि पहले पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड को सॉरी sec और 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। sec में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसे, कि आप इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो डिनोमिनेटर है वहां पर 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसके साथ ही जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है ये भी बुक का ही है, क्योंकि मुझे अब की बारी ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जो पेपर है वो बुक को ही बिलोंग करेगा। 1 + sin θ / 1 − sin θ। इस क्वेश्चन का तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप रूट के अंदर ही इसे रैशनलाइज कर दो। जब आप रूट के अंदर इसे रैशनलाइज कर देंगे तो फिर ये माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 + sin θ² / 1 − sin² θ या 1 + sin θ² / cos² θ। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। अब उसके साथ में जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है चैप्टर 11 से, हाइट एंड डिस्टेंस जिसे आप कहते हैं या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आप कहते हैं। वहां पर आपको बहुत सिंपल तरीका है 3 mark लाने का या 2.5 mark लाने का। तो एग्जैक्ट फिगर बना लो, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लो, 2 triangles लीजिए या तो sin θ या तो cos 10θ से वो क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाता है।
जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है और उसके फुट को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल बनता है। तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज करिए इसका नाम रख दीजिए आप ए बी, ये इसका बेस है और ये केबल टावर है, मान लीजिए कि मैं इसका नाम रख देता हूं पी क्यू। इसके टॉप से अगर इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल है हमारा 60 डिग्री और अगर इसके टॉप से इसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल जो बनता है वो 45 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आप टेन थीटा यूज कर लेंगे, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आप टेन थीटा यूज कर लेंगे और इजिली आप इसे कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सेकंड जो क्वेश्चन लिया है इसी चैप्टर से, वो है कि टू मेंस ऑफ आइदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग का जो हाइट है वो 75 मीटर है, दो मैन खड़े हुए हैं, एक मैन सपोज करिए यहां पर है और दूसरा मैन सपोज करिए यहां पर है और ये दोनों जो मैन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से बनाते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखिए ध्यान रखें, अगर आपका फिगर बिल्कुल करेक्ट बन गया हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको दो ट्राइंगल लेकर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस आ जाएगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें ये हाइट दी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में ही टी रेशियो जो लगेगा वो टेन थीटा लगेगा, राइट right? तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है जो चैप्टर 11 से होगा। अब है उसके बाद में क्वेश्चन 6, वो कंस्ट्रक्शन से बन सकता है। कंस्ट्रक्शन से दो ही टाइप के कंस्ट्रक्शन है, तीन टाइप के आपके क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल सिमिलर बनाना और दूसरा सर्कल बनाना। मैंने रखा है कि एक साइड बी सी लीजिए और उसमें बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और इस एंगल पर ये कोई 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दो, एक ट्रायंगल बना दो और फिर 3/4 टाइम से इसका वो बना दो। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक बुक का ही क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करने, जो दोनों टेंजेंट सर्कल पर, सर्कल के बाहर एक दूसरे पर 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। उसके साथ में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका सेट से आएगा या आ सकता है, मीन मोड मीडियन भी निकालना कर सकते हैं आपसे, या मोर देन ओगे और लेस देन ओगे पूछा जा सकता है, या फिर मीन मोड मीडियन दिया हुआ हो तो उसमें आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वो आप मेरी पहली वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर, कोई भी वीडियो आपकी 50, 50, 60, 70 वीडियोस इस तरीके की पड़ी हुई है तो किसी भी वीडियोस को आप ओपन करके देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम से रखा है, तो देखिए ध्यान रखें, या तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से फ्रस्टम से क्वेश्चन आएगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन निश्चित है। और मैं फिर दोबारा से एक ही बात कहना चाहता हूं कि 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए या 70+ लाने के लिए या इवन 25 या 20 या 30 मार्क्स लाने के लिए 4 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं तो ये कहता हूं कि आप पहले आर में 4 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 4 में से 4 लाना भी पहले आर में इजी होगा और 4 में से 2.5 मार्क्स या 2 मार्क्स आप निकालना चाहते हैं तो वो केवल यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है जिनमें से निकल सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिर दोबारा मैं याद दिलाऊं 10:30 बजे आज ठीक 10:30 बजे मैं आपको लाइव जरूर आऊंगा। कुछ वजह से, कुछ बिजी होने की वजह से मैं कुछ वीडियो भी कम डाल पाया हूँ और लाइव भी नहीं आ पाया हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसके लिए मैं जरूर आपके साथ होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।